एवरीवन, वेलकम टू गली मैप। गली मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे दही वाली आलू की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बन के रेडी होती है, और ये बहुत ही इजी और बहुत ही फटाफट बनती है। बच्चे भी इसको खाने में बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए फटाफट सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक बाउल में 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन, इन सब में पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 कप तक पानी इसमें ऐड करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 1/2 चम्मच तेल लेंगे। तेल गरम होने पे इसमें जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को डार्क ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे, 3 टुकड़े दालचीनी, 3 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसमें 1/4 हींग पाउडर ऐड करेंगे, 1 प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। हम इसमें थोड़ा नमक ऐड कर रहे हैं ताकि प्याज जल्दी से जल्दी पक जाए, तो आप प्याज को ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। इसके बाद इसमें 3 हरी मिर्च काटी हुई ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। हमने अब जो पेस्ट बना के रेडी किया था, अब इसमें वो मसाले डालेंगे सारे। अब हम चमचे को चलाते हुए मसाले को भूनेंगे, जब तक कि मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता है। अब जिस कटोरी में हमने मसाले ऐड किए थे, सेम ही कटोरी में हम 1/2 कटोरी दही ले लेंगे। दही को हम चम्मच की हेल्प से अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं इधर हमारा मसाला भी बनके बिल्कुल से रेडी है, अच्छे से उसने तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे फेटा हुआ। दही को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करेंगे तब तक दही में उबाल नहीं आ जाता है, नहीं तो दही फटने का चांसेस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं दही में उबाल आ गया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 1.5 गिलास पानी का ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिए, आपको कितनी करी चाहिए सब्जी के अंदर उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कितना तेज नमक चाहता है, कितना कम नमक चाहता है। अब हमने यहाँ पे 7 आलू बॉईल करके रखे हैं। इसको हम हाथ की हेल्प से तोड़ तोड़ के आलू को डालेंगे, काट के नहीं डालना है आलू को, उससे सब्जी का टेस्ट चेंज हो जाता है। हम यहाँ से हाथों से फोड़ फोड़ के आलू को डालेंगे। तो गाइस, 7 से 8 मिनट तक अब हम सब्जी को धीमी धीमी आंच पर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस, आपको हमारी सब्जी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और सब्जी के लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी से सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं। चलिए ठीक है, बाय गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी।